ब्रज में ब्रजवासियों ने एक ही प्रश्न किया कि हमारा गाना हमें याद करता तो नहीं करता। बलराम जी ने कहा है कि मैया बावा ब्रजवासियों, आपको गाना हमेशा निरंतर याद ही करता रहता है। रानियों की गोद में बैठकर उनके ऊपर सिर रखकर उनकी गोदी में लेटे हुए हैं और लेटे लेटे रुक्मणी मोह ब्रज बिस्तरत ना है। मुझे ब्रज बिस्तरता नहीं, ब्रज याद आता है। आप ही ब्रजवासियों की ब्रज में जो बाबा नंद बाबा यशोदा मैया हैं, आप सबकी ही याद ठाकुर जी करते हैं, गाना करता है। बलराम जी ने ब्रज में आकर सब ब्रजवासियों को जैसे प्रभु और बलराम जी क्रीड़ा करते थे ब्रजवासियों के साथ, वैसे ही बलराम जी भी ब्रजवासी जैसे ही बलराम जी से मिले हैं तो वही प्रसन्नता ब्रजवासियों के मन में जाग गई। चलो काना नहीं आया, उनके बड़े भाई बलराम जी तो आए। अब तो सारे ब्रजवासी बलराम जी को घेर कर बैठ जाते हैं और प्रभु जो लीला कर रहे हैं द्वारका में, जो प्रभु ने मथुरा में लीला की, द्वारका में लीला की, उन सबको सारे ब्रजवासी श्रवण कर रहे हैं। ब्रज में बलराम जी ने जो बलराम जी की युद्ध की गोपियां हैं, ठाकुर जी की युद्ध की गोपियां अलग हैं और बलराम जी की युद्ध की गोपियां अलग हैं, उन गोपियों के साथ महाराज भी किया है। बलराम जी इधर ब्रज में ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं, इधर जैसे द्वारका में जैसे ही प्रभु बलराम जी ब्रज में आए हैं तो इधर दैत्यों ने पांडव काशीराज आदि असुरों ने दैत्यों ने आक्रमण कर दिया द्वारका पर। उन असुरों का प्रभु ने वध किया है। ब्रज में बलराम जी को बहुत दिन बीत गए हैं, फिर प्रभु की याद आई, बलराम जी फिर द्वारका में पहुंचते हैं। द्वारका में आते हैं, प्रभु से मिलते हैं। एक बार सांब पुत्र दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा, उनका स्वयंवर हो रहा था, उसी में ही सांब लक्ष्मणा का हरण करके ले गए। दुर्योधन ने पकड़ा और सांब को बंदी बना लिया। जब द्वारका में पता चला बलराम जी को कि अरे दुर्योधन ने हमारे पुत्र सांब को बंदी बना लिया, तो दुर्योधन के पास बलराम जी आते हैं। जैसे ही दुर्योधन ने सुना कि बलराम जी आ रहे हैं तो दुर्योधन बलराम जी को अपना गुरु मानता था। बलराम जी से दुर्योधन ने गदा सीखी इसलिए वो अपने बलराम जी को गुरु मानता था, तो बड़ा सम्मान करता था। उनके सम्मान के लिए द्वार पर ही आकर खड़ा हो गया और बड़ा सम्मान किया बलराम जी का। बलराम जी कहने लगे, अरे दुर्योधन, तुम हमारा सम्मान करते हो और हमारे पुत्र सांब को बंदी बना रखा है। अरे हमारा सांब भी बड़ा सुंदर है, अगर हमारा सांब लक्ष्मणा को चाहता है तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है।
तुम लक्ष्मणा का विवाह सांब से कर लो। तो दुर्योधन बिगड़ जाता है, रे बलराम जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसका कारण ये नहीं कि आपकी जो आज्ञा है उसी को मान लो, उसी को स्वीकार कर लो। जैसे ही ये शब्द बोले बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। बलराम जी ने अपना हल उठाया और हल उठाकर गंगा जी के तट पर है हस्तिनापुर, जैसे ही हल उठाया और जैसे ही हल उठाया तो हस्तिनापुर हिल जाती है, सारा हस्तिनापुर हिल गया, धरती कांपने लगी। अब तो सब कौरव घबरा गए। उठाकर जैसे ही बलराम जी ने हस्तिनापुर पर प्रहार किया, तारे तू मेरी बात नहीं मानता, अभी इस हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबा दूंगा। जैसे ही हल भूसर उठाया तो सब कौरव कांप गए हैं, बलराम जी की शरण में आए हैं। कहने लगे अरे बलराम जी हम आपका बल पराक्रम समझ नहीं पाए, अब हमें क्षमा कर दीजिए। दुर्योधन भी क्षमा याचना करने लगा। बलराम जी ने अपना हल मुसर उठाया और जैसे ही हस्तिनापुर पर पटका तो आज भी हस्तिनापुर गंगा जी की तरफ झुका हुआ है। पर जब कौरवों ने क्षमा याचना की तो बलराम जी ने उनको क्षमा किया है और दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ किया। सुखदेव जी बीच बीच में बलराम जी के जो बल है